गंगा नदी में पिछले दो दिनों में जिस तरीके से जल वृद्धि हुई है उसके बाद अब राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के कृष्णा घाट से, और आप घाट की ही तस्वीरें देखिए और चारों तरफ जो अगर आप कैमरे को अगर घुमा के हम आपको दिखाएं तो देखिए लबालब पानी जो है गंगा नदी में इस वक्त आप देख सकते होंगे, क्योंकि लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से गंगा में जो है जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और रह रहकर पटना में भी जो है पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है, और इन सब की वजह से आप देखिए किस तरीके से गंगा इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही है और भयावह स्थिति जो है वो इस वक्त बनी है। और आपको हम तस्वीरें कृष्णा घाट से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर घुटनों से ऊपर तक जो है वो पानी है, आगे आप जाएंगे तो कमर भर पानी है आपको मिल सकता है, और ऐसे में हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त पटना के लिए गंभीर बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से लगातार कह रहा है कि वो घाटों पे ना जाएं क्योंकि ये खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और छोटी नदियां भी जो है पटना की जो ग्रामीण इलाकों में पुनपुन दर्दा उन सब में भी जो है वो बाढ़ की स्थिति आ चुकी है, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में गांव में जो है वो पानी घुस गया है। और जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये दरअसल एक पैदल पथ है, लोगों के आने जाने के लिए ये रास्ता बनाया हुआ है कि वो गंगा की खूबसूरती देखने के लिए शाम में यहाँ आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं, लेकिन आज आप हालात देखिए कि गंगा में जिस तरीके से पानी का जो है वो वृद्धि हुई है उसकी वजह से अब ये पैदल पथ जो है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, और खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त जो गंगा है वो पटना में बह रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके से गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है उसकी वजह से राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, कृष्णा घाट, पटना।